सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाएगा, परंतु यह सत्य नहीं है। मनुष्य जब भी जन्म लेता या मरता है तो क्या क्या लेकर जाता है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। हम अपनी प्रस्तुति का आरंभ श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के श्लोक से करेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात पवित्र लोगों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं स्वयं सहस्राब्दी के बाद प्रकट होता हूँ। एक समय की बात है, मुनियों ने कश्यप जी से प्रश्न किया कि हे भगवन, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं, कृपया बताइए कि पिता माता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है। लोग तो मृतक के शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है, कृपया करके आप हमें यह बताइए। व्यास जी बोले कि हे विप्रगणों, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता माता भ्राता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते हैं और दो घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो उसे त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। धर्म अकेला ही जीव के साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है, इसी प्रकार अधर्मयुक्त मानव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ मोह घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म अर्थ और काम, ये तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म को त्याग कर ही इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा कि हे भगवन, आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है, यह हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अदृश्य रूप में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों से नहीं दिख सकता, फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है। फिर व्यास जी बोले कि पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब त्वचा हड्डी मांस वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा कि हे भगवन, आपने यह भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है।
अब हम यह जानना चाहते हैं कि शरीर के कारण भूत यानी वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। व्यास जी ने कहा कि हे द्विजवरो, शरीर में स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मन के अधिष्ठाता देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मन सहित पृथ्वी आदि पांचों भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समयानुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्मकाल से ही पुण्यकर्म का उपभोग करता है। वह धर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है। यदि बीच बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद दुख भी पाता है। ऐसे ही पापयुक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है। इसलिए धर्म या अधर्म पर ही आपका अगला जन्म और मृत्यु के बाद की गति निर्भर करती है। इससे बचने के लिए मनुष्य को सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अतः अन्याय रहित अन्न का दान करना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राणाग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है, वह अन्नदान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है, वह घोर नरक में नहीं पड़ता और संसार के बंधनों में भी नहीं बंधता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यकर्म से युक्त मनुष्य निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया और अन्न दान का महत्व बताया। यही सभी धर्मों और दानों का मूल है। हमारी यह प्रस्तुति अंत तक देखने के लिए धर्मार्थ चैनल आपका हृदय से धन्यवाद करता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने प्रश्नों को कमेंट द्वारा हम तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।